हमारी कंपनी आशीर्वाद इंजीकोन ग्रुप हमेशा इस पर तत्पर खरार उतरती है। हरे हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों की इससे मदद भी हो जाती है। 251 करना, हाँ करना चाहिए, करने से पुण्य मिलता है, परिणाम मिलता है। इस छठ पर्व में जो हम लोग इतनी स्वच्छता और सफाई से हम लोग व्रत जो मनाते हैं, आशीर्वाद इंजीकोन के तरफ से, परिवार की तरफ से प्रसाद वितरण, इसमें हम लोग एक छोटा सा प्रयास हर एक साल रहता है। बिहार का सबसे बड़ा महापर्व यानी कि छठ महापर्व की कल से शुरुआत हो गई है और आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन लगातार लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं ताकि पुण्य कमा पाएँ और छठ महापर्व में अपना योगदान दे पाएँ। मौजूद है जकनपुरा में, सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए, हमारे साथ जो बात करने के लिए है वो आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप के CMD अजय सिंह है और ये यहाँ पर सूप जो व्रतियाँ हैं उनको दे रहे हैं। ये प्रयास है उन महिलाओं तक ये चीज़ पहुंचाने का जिनके पास कहीं ना कहीं महंगाई की मार इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि खरीदने के साधन नहीं रहे। सर सबसे पहले छठ पे आप दर्शकों को क्या कहना? देखिए आशीर्वाद इंजीकोन परिवार की तरफ से छठ पूजा की सारे व्रतियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। इस छठ पर्व में जो हम लोग इतनी स्वच्छता और सफाई से हम लोग व्रत जो मनाते हैं, पूरे देश में धूमधाम से सब मनाते हैं। निर्जले लोग भूखे रहते हैं और अब सूर्य भगवान के हम लोग अर्घ देते हैं। इसमें हम लोग एक छोटा सा प्रयास हर एक साल रहता है कि लोगों को हम लोग मदद करें और हमारी कंपनी आशीर्वाद इंजीकोन ग्रुप हमेशा इस पर तत्पर खरा उतरती है। हर एक साल हम लोग इस तरह के सूप नारियल ये सब हम लोग वितरण करते हैं। आप लोग वितरण कर रहे हैं, इससे व्रतियों को कितना आसान होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार महंगाई की मार काफ़ी ज़्यादा गरीबों को देखने मिल रही है। छठ ऐसा पर्व है जो बिहार में हर घर में लगभग होता ही है, उस महंगाई के बीच किस तरीके से ये उनको सहायता करें? देखिए हम लोग का तो एक छोटा सा प्रयास है, जो भी हो सकता है हम लोग मदद करते हैं और आगे भी हम लोग हमेशा करते रहेंगे और जो भी योगदान हम लोग से बनता है, हम लोग इस कंपनी से हम लोग हर एक पर्व में हम लोग योगदान करते हैं। कितने सूप और कितने नारियल आप लोग वितरण? हम लोग अभी 251 सूप और नारियल का हम लोग वितरण कर रहे हैं। देखिए आप पहले आप यहाँ पे नज़र डाल लीजिए किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो है। सूप में नारियल आपको मिलेगा, संतरा और जितने भी फल होते हैं छठ में जो चढ़ते हैं वो मिलेंगे। आप देखिए चारों तरफ आपको लोग भी सहायता करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि छठ महापर्व एक ऐसा महापर्व है जो बिहार में ऑलमोस्ट हर घर में होता है और इस बीच इस तरीके की सहायता करना कहीं ना कहीं जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा आराम होगा, व्रतियों के लिए भी आराम होगा क्योंकि इस बार महंगाई की मार कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जकनपुरा की, जहाँ पर लगातार सूपों का वितरण हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्रतियाँ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है। आपके पिता सूप का वितरण कर रहे हैं, कैसा लगता है ये प्रयास? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों की इससे मदद भी हो जाती है कि हम लोग फल और सूप एक साथ बांटते हैं। इससे आप कुछ मदद करते हैं? हाँ हम भी सुबह सुबह उठ के नहा के हम लोग भी आते हैं बांटने सुबह सुबह। छठ महापर्व कितना महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए? हम लोग तो एग्ज़ाम छोड़ के आए अपना कॉलेज का ग्रेटर नोएडा से, हाँ अर्जेंट बेसिस पे हम लोग को फ्लाइट की टिकट भी नहीं मिल रही थी तो हम लोग कार से ट्रैवल करके आए 1200 किलोमीटर। इस सहयोग से आपके मन को कितना अच्छा लगता है क्योंकि गरीबों की मदद करने से भगवान भी मदद करते हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, मैंने एक मन की शांति भी मिलती है ये करने से। आप लोग सूप का वितरण कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को क्योंकि व्रतियों का कहीं ना कहीं मदद होता है? बहुत खुशी की मिलता है बांटने से, हम लोग को लगता है कि श्रद्धा से पूरे मन से हम लोग बांटते हैं। ऐसा प्रयास गरीबों के लिए कितना सहायक होता है? बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए मदद मिलता है। पर छठ पर क्या कहना चाहेंगे? जनता को शुभकामना देना चाहते हैं कि छठ मनाए धूमधाम से, श्रद्धा से। मेरे साथ बाबा है, कैसा लगता है बाबा वितरण करके? बहुत अच्छा होता है लगता है। अच्छा इतना उम्र हो गया आपका, इतना साल हो गया जिंदगी का, ऐसे मदद करने से लोग कितने खुश होते हैं और खुद को कितने बहुत खुश होते हैं? बहुत तो लोग खुश होते हैं देखने में और लोगों को हृदय में भी होता है कि फलना आशीर्वाद इंजीकोन के तरफ से, परिवार की तरफ से प्रसाद वितरण हुआ है। लोगों की दुआ है जो इतना आगे आगे बढ़े, बहुत तो लोगों की दुआ है, हजारों हजार के।
देखिए छठ महापर्व में आप देखिए चारों तरफ किस तरीके से यहाँ पे सूप का वितरण हो रहा है, और छठ महापर्व में लोग अपने योगदान भी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर होते हैं, क्योंकि पुण्य कमाने का ये अलग रास्ता है। और चारों तरफ जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है। आपको बता दें छठ महापर्व में हर कोई बिहार में लगभग हर किसी के घर में छठ होता है, और छठ को लेकर तस्वीरें जो है वो देखिए। सुबह से आप लोगों ने कितना वितरण कर दिया? अभी ज़्यादा नहीं, 50। लगभग कितना और करना है? 251 करना। देखिए महिलाएं भी हैं जो सूप लेके जा रही हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ? मंजू देवी। अच्छा, हर साल जान रहे हैं, पढ़ता है वही स्कूल में ना, हम रहते थे जेरे में पढ़ता था पहले। अच्छा, कितना आराम होता है अगर ऐसा सूप मिल जाता है? आराम तो है, आराम बहुत आराम है, गरीब आदमी के बहुत आराम है। अच्छा, छठ पूजा में कितना ज़रूरी होता है? कितना तो देखिए जितना से आप कर सकते हैं तो सब ये जरूरी, या 2 किलो हो तो पाव भर से हो सकता है ऐसा। अच्छा, ऐसा लोगों को देना चाहिए ना, गरीब लोगों? हाँ, गरीब लोगों के लेकिन देना चाहिए। दुआ देती हैं? हाँ हाँ, तब का देखिए बगुआ हमारे बोल रहा है ना, ठीक है दादी, बगुआ पढ़ा था ना वो, अच्छा है। कितना खुशी मिलता है, कहीं ना कहीं आपका मन प्रसन्न हो जाएगा जब आप छठ महापर्व में अपना छोटा सा भी योगदान देते हैं, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है, और चारों तरफ जो है वो छठ की धूम देखने को मिल रही है। आज दूसरा दिन है, कल संध्या अर्घ होगा, परसों जो सुबह होगी वो अलग होगी, क्योंकि सूर्य उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ देंगे। तस्वीर एक और बार देख लीजिए, आशीर्वाद इज़कॉन ग्रुप के जो मालिक हैं और CMD जो हैं अजय सिंह, वो कर रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ महिलाएं जो है वो ले रही हैं। कैसा लग रहा है ये प्रयास? अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा करना चाहिए लोगों को? हाँ, करना चाहिए, करने से पुण्य मिलता है, प्रणाम मिलता है, भगवान आशीर्वाद मान, आशीर्वाद मिलता है, करना चाहिए। ठीक, महंगाई के बीच इस तरीके का प्रयास आप लोग का मदद करता है ना? करना चाहिए, महंगाई रहे फिर भी अपना तरफ से तो कोशिश करना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। तो देखिए चारों तरफ जो छठ की धूम है वो देखने को मिल रही है, और हर कोई अपने तरफ से छठ व्रतियों के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि उनका जो ये व्रत का सफ़र है, आदमी शरीर से पैसे से तो कर सकता है लेकिन मन से जो करते हैं वो बात ही कुछ अलग होती है, और यहाँ आपको दिखा रहे थे। चलिए, बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है, सहयोगी सोनू के साथ IVTV पटना। आशीर्वाद इज़कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।